हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एक रिलेशनशिप को लेकर के बना रहा हूँ, और रिलेशनशिप भी कैसी कि यहाँ पर हम बात करेंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल्स बनाना। सबसे पहली जो टेबल है, इसे यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पहले ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर 2016 में यूज कर रहा हूँ, आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हो उसी के अनुसार आपको काम करना है। काम करने का तरीका लगभग सभी में इसी तरह का है। तो यहाँ पर डिजाइन व्यू पर इसको लेना है, और डिजाइन व्यू पर लेने के बाद पहली जो टेबल बनेगी हमारी वो बनेगी पर्सन की टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्सन टी लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने पर्सन और फिर लिख दिया टी, तो ये हो गया पर्सन टी, और इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो ये पर्सन की टेबल डिजाइन व्यू में आ चुकी है। ठीक है, जैसे ही ये डिजाइन व्यू में आएगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है प्राइमरी की। अगर आप प्राइमरी की नीचे देना चाहते हैं तो क्या करना होगा, अगर आप नीचे देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप लिख डालिए नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, ये लिख दिया हमने नेम, फिर लिखा ऑफ, फिर लिखा पर्सन। तो इसी तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ पर्सन, और जैसे ही नेम ऑफ पर्सन लिखेंगे तो यहां पर रखना है शॉर्ट टेक्स्ट। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं 2016, तो यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो उसमें केवल टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहां शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया। यहां पर आएगी पर्सन आईडी। ठीक है, यहां पर क्या आएगी, पर्सन आईडी। तो ये यहां पर लिख देता हूं पर्सन आईडी। ओके, इसे हम रखेंगे ऑटो नंबर, तो यहां से आप चूज कर लीजिएगा ऑटो नंबर। ठीक है, यहां पर देखिए ऑटो नंबर मिल जाता है आपको, ये ऑटो नंबर चूज कर सकते हैं या केवल नंबर रख सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि नेम ऑफ पर्सन को प्राइमरी की बना दिया है। ठीक है, तो इसको हमें हटाना होगा प्राइमरी की से। ये प्राइमरी की हमें किसे बनानी है, पर्सन आईडी को प्राइमरी की बनाना है। तो यहां से जाकर के, और ये देखिए ऊपर दिया हुआ है प्राइमरी की, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहां प्राइमरी की दिखाई पड़ेगी, प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, बस पर्सन आईडी बन गई प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूं, जैसे ही पर्सन आईडी देंगे तो इसके बाद इनकी कंट्री का जिक्र करेंगे हम, तो कंट्री तो एक ही है, इंडिया ही रखूंगा मैं। अदर कंट्रीज में अगर आप रहते हैं तो वहां का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दे दिया हमने कंट्री, और कंट्री देने के बाद फिर क्या करना है, स्टेट देना है आपको, स्टेट। तो यहां पर दे दीजिए स्टेट, इस तरीके से स्टेट दे दीजिए। आप मल्टीपल स्टेट भी दे सकते हैं लुकअप विजार्ड का यूज करके। ओके, तो यहां से स्टेट दे करके और शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं। तो यहां से शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया मैंने, और शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद क्या करना है आपको, सिटी का नाम देना है। तो यहां पर सिटी कर दीजिए, आप इसमें भी लुकअप विजार्ड का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर सिटी कर दिया है मैंने, और यहां से व्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर लीजिए। सेव करते समय अब ये कह रहा है यू कैन नॉट चेंज वन फील्ड फ्रॉम ऑटो नंबर डाटा टाइप एंड एड अनदर ऑटो नंबर फील्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप डेटा टाइप ऑटो नंबर पहले से जो दिया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर हम चाहे तो नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ नंबर ही रख लेते हैं। नंबर रख करके यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यहाँ से यस कर देते हैं, तो अब देखेंगे कि आपको इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर चाहे तो हम पर्सन का नेम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्सन का नेम मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ राम। अब एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, कई सारे वीडियोज में राम लिखता हूँ तो लोग कहते हैं राम का ही एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, भाई राम बहुत महान थे, भगवान थे राम, इसीलिए ले लिया मैंने। ठीक है, मेरे भी आराध्य है राम, मैं भगवान राम को मानता हूं। आपका जिस भी गॉड में विश्वास हो उनका नाम आप रख सकते हैं, आपको जिस किसी का भी नाम रखना हो आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई बहस नहीं है। यहां पर कंट्री का नाम इंडिया डाल देता हूं। ठीक है, ये इंडिया डाल दिया, यहां पर स्टेट का नाम डालना है आपको, तो ये यूपी रख देता हूं मैं यूपी का रहने वाला हूं, और हूं मैं कहां का, देवरिया का। ठीक है, कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि इतना छोटा सा सिटी है, ये सिटी का नाम ही कोई नहीं, अरे बहुत लोग जानते हैं, योगी बाबा के बगल में है देवरिया। ठीक है, यहां पर दूसरा नाम लिख देता हूं मैं, दूसरा नाम लिख देता हूं मैं एस यू आर ए जे, तो ये दूसरा नाम लिख दिया, और यहां पर पर्सन आईडी 2 कर देता हूं। ठीक है, और कंट्री तो इंडिया ही रहेगी। ठीक है, ये इंडिया कर दिया, और यहां पर आते हैं तो स्टेट, स्टेट भी यूपी कर देता हूं, आप अदर स्टेट को भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो सिटी है, सिटी में कर देता हूं गोरखपुर। ठीक है, ये गोरखपुर भी कर दिया हमने। अब ये करके इसको सेव कर लेते हैं हम, तो यहां से सेव कर लिया। अब ये एक टेबल तो बन गई पर्सन आईडी वाली। ठीक है, यानी पर्सन टी नाम से एक टेबल बना दिया, जिसमें पर्सन आईडी को हमने बनाया प्राइमरी की। ठीक है, अब यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, ये क्लोज कर दिया हमने, यानी एक टेबल हमारी बन करके तैयार है। अब हमें दूसरी टेबल बनानी है फादर की टेबल, जिसमें फादर नेम का जिक्र होगा। ठीक है,
तो चलिए यहां से क्रिएट पे जाते हैं और आप चाहे तो टेबल डिजाइन कर सकते हैं। यहां से टेबल पे क्लिक कर देता हूं, आप टेबल डिजाइन भी ले सकते हैं। यहां पर जाके व्यू पे क्लिक करिए। अब ये जो सेकेंड टेबल है उसे मैं नाम दे देता हूं, तो यहां पे लिख दिया मैंने फादर टी, यानी फादर्स की टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फादर टी। अब जैसे ही फादर टी करेंगे तो यहां पर ये प्राइमरी की आ रही है। चलिए इस बार हम प्राइमरी की यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं फादर्स आईडी, यहां पर क्या करूंगा नेम ऑफ फादर कर दूंगा। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ फादर, ठीक है, एफ ए टी एच ई आर, तो ये कर दिया नेम ऑफ फादर। इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रख लिया, और एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए, अगर हम रिलेशनशिप बना रहे हैं तो एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए ना भाई। तो एक फील्ड कॉमन करने के लिए यहां पर मैं कर देता हूं पर्सन आईडी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए पर्सन वाले टेबल में, जो कि पर्सन टी नाम से टेबल हमने बनाई है, इसमें क्या चीज कॉमन है, देखिए पर्सन आईडी दिया हुआ है, तो पर्सन आईडी इसमें भी होना चाहिए। तो इसी वजह से हम यहां इसे डिजाइन व्यू पर लेकर के और यहां एक बना देते हैं पर्सन आईडी। तो ये लिखा पर्सन और फिर लिखा आईडी, ठीक है। तो ये कर दिया हमने पर्सन आईडी, इसको ये दब गया, इसको हटा देते हैं, ये कर दिया पर्सन और फिर कर दिया आईडी, और इसको रखेंगे हम क्या नंबर डेटा टाइप, ये ध्यान रखिएगा इसको नंबर डेटा टाइप। इससे कंफ्यूज बात हो जाइए कि वहां पे हमने ऑटो नंबर लिया है तो यहां पे नंबर कैसे, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपने ऑटो नंबर लिया है तो आप नंबर भी ले सकते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर लेंगे इसको और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये फादर्स आईडी आएगी अपने आप, ठीक है, फादर्स आईडी आएगी। यहां पर एक चीज चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हमने पर्सन आईडी 1 रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर डेटा टाइप ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ फादर का नेम आएगा, नेम ऑफ फादर लिखा हुआ है तो यहां लिख देता हूं मिस्टर सोहनलाल, एस ओ एच ए एन एल ए एल, ठीक है। तो ये लिख दिया मिस्टर सोहनलाल, ठीक है। और यहां पर्सन आईडी क्या आएगी, देखिए यहां पर जो पर्सन आईडी दी गई है सेम पर्सन आईडी यहां पर भी पड़ेगी, तो फादर्स नेम में पर्सन आईडी जो है 1001 हो जाएगी, तो यहां पे लिख दिया 1001, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो चूंकि फादर आईडी हमने ऑटो नंबर लिया है तो ये नंबर देखिए अपने आप आ रहा है, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मिस्टर एम आर, मिस्टर रमेश चंद, रमेश चंद ये लिख दिया हमने। तो ये देखिए यहां पर हमने इस तरीके से कर दिया, और यहां पर जो पर्सन आईडी आएगी वो सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो पर्सन आईडी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये कर दिया 1002, ओके। ये कर देने के बाद यहां से इसको सेव करना है, बहुत ही इजीली आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद क्या करना है, इसको क्लोज करना है, दोनों ही टेबल्स को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब ये दोनों टेबल हमने बना ली, दोनों को क्लोज भी कर दिया। अब जो तीसरी टेबल बनानी है वो किस लिए बनाएंगे, जो तीसरी टेबल बनाएंगे हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एक फील्ड को और कॉमन बनाना है हमको। जैसे कि जो तीसरी टेबल हम बनाएंगे उसमें हम ग्रैंडफादर का भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, टेबल बनाते हैं, और यहां पर टेबल पे ग्रैंड टेबल कर देते हैं, ग्रैंड टी, ठीक है। तो ये ग्रैंड टी कर दिया हमने, और ग्रैंड टी करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए, ये हो गया काम। यहां पर देखिए ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड आईडी कर देते हैं, ग्रैंड आईडी, ग्रैंडपा आईडी, या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप वाली टेबल आपको बनानी है, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप वाली, तो ग्रैंडपा ये कर दिया हमने। और यहां पे ऑटो नंबर दिया है तो इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, ग्रैंडपा को हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, ठीक है। और यहां पे करते हैं फादर्स आईडी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फादर वाली टेबल में हमने क्या दिया था, तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमने पर्सन आईडी दिया और फादर आईडी दिया है, तो ग्रैंडपा वाली टेबल में भी हमें वही देना है, ठीक है। ग्रैंड टेबल जो हमने बनाया उसमें भी वही देना है, तो यहां पर डिजाइन व्यू पे लेकर के यहां पे कर देते हैं फादर आईडी। तो ये लिख दिया हमने फादर और फिर लिख दिया आईडी, ठीक है। और फादर आईडी देने के बाद इसको भी हमें नंबर डेटा टाइप रखना है, ठीक है, ये ध्यान देना है नंबर डेटा टाइप रहेगा ये। यहां से यस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ग्रैंडपा लिखा हुआ है। अब चूंकि ग्रैंडपा यहां पर देखिए, जब इसको डिजाइन व्यू पे लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो ग्रैंडपा है ये प्राइमरी की है, और इसे हमने डेटा टाइप कौन सा दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट दिया है। तो जब भी शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की बात हम करेंगे, जब भी बात करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की, तो उसमें हम नंबर एज वेल एज टेक्स्ट भी लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने ये लिया है डेटा टाइप, ठीक है। अब यहां से व्यू पे क्लिक करिए, अब यहां पे ग्रैंड, तो इसे मैं G1 से 101 कर देता हूं, G101। तो ये एक आईडी हो गई। अब फादर्स आईडी क्या देंगे भाई, तो फादर्स आईडी फादर वाले टेबल में है, तो देखिए ना फादर्स आईडी 1 है, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड वाले टेबल में आइए और यहां पर 101
वन है ना, फादर आईडी वन है तो केवल वन कर दीजिए। फिर इसी तरीके से G102, ठीक है, ये कर दिया हमने, और यहां पे टू कर देंगे। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया। अब इसमें आप कंट्री अदर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नीचे हम कर देते हैं कंट्री CONTRY, ठीक है, ये कंट्री कर दिया हमने। कंट्री करने के बाद क्या करना है, इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, ठीक है। यहां से कंट्री करने के बाद नीचे सिटी भी कर देते हैं, कंट्री के बाद स्टेट और सिटी कर देते हैं। तो स्टेट, हालांकि ऑलरेडी स्टेट हमने दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट नहीं करते हम, इसको रहने देते हैं, हटा देते हैं इसको, तो ये कट कर देते हैं इसको, तो इतना ही रखते हैं। और यहां से इसको सेव करते हैं, और यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, तो यहां पे देखेंगे कि ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहां कंट्री का नेम डाल देते हैं इंडिया, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं इंडिया, अगर कोई स्टूडेंट बाहर का है, इंग्लैंड का है, जापान का है, या किसी अदर कंट्री का स्टूडेंट है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल इसको इतना ही रखता हूं और इसको सेव करके, और ये तीन टेबल हमारे पास हो गई, ठीक है। यहां से इसको क्लोज करते हैं और ये इसको भी क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों टेबल आपको दिख रही हैं। इसके बाद आते हैं तो एक और टेबल हम बना लेते हैं, ब्रदर वाली टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्रिएट पे जाना है, टेबल पे जाना है, और यहां पे ब्रदर्स टी कर देते हैं, ये लिखा हमने BROTHER ब्रदर टी, ठीक है, ये कर दिया हमने ब्रदर टी। यहां से क्या करना है, ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद क्या करना है, यहां पे आईडी आ रही है, ठीक है। अब यहां पर कौन सी आईडी आएगी, तो ब्रदर की आईडी आएगी, तो यहां लिख देते हैं ब्रदर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सपोर्ट कर गया। तो यहां ब्रदर्स आईडी लिख दिया हमने, और ब्रदर्स आईडी को हमने रखा है प्राइमरी की, ठीक है। अब जो इसके पहले हमने टेबल बनाई थी, लाइक ये ग्रैंड टेबल जो बनाई थी, ग्रैंड टी वाली, तो इसमें देखिए ग्रैंडपा को हमने बनाया था, जो ग्रैंडपा हमने बनाया था, फील्ड लिया था, उसको हमने बनाया था प्राइमरी की, ठीक है। और G101 से शुरुआत है, ध्यान दीजिएगा, G101 से शुरुआत है। तो ब्रदर्स टी में आएंगे और यहां पर आकर के इसको भी लेंगे हम कहां, इस तरीके से डिजाइन व्यू पे ले लेंगे, लाइक ये यहां पे जाकर के, और डिजाइन व्यू पे ले लीजिए। और जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो यहां पे लिखा मैंने ग्रैंड आईडी, यही तो लिया था हमने, देखिए ना, यहां पे ग्रैंड टेबल में हमने ग्रैंड पा लिया है, ग्रैंड पा, ठीक है। इसको ग्रैंड आईडी भी आप ले सकते हैं, फिलहाल मैंने जो ले लिया है उसी को मैं रखूंगा, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये तो वो वाली टेबल है, हमें आना है कहां पे, ब्रदर्स टी में आना है, यहां पे आ गए हम, और यहां पे ग्रैंड केवल आ रहा है, तो ग्रैंड पा कर देते हैं इसको, इसको वही नाम देना है जो कि आपने वहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे कर देते हैं ग्रैंड पा, ठीक है। तो ये ग्रैंड पा कर दिया हमने, और ग्रैंड पा को हमने रखा था शॉर्ट टेक्स्ट, आपको याद है, शॉर्ट टेक्स्ट ही हमने रखा था। इसके अलावा भी अगर आप इसमें कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड टेबल में हमने दिया था ग्रैंड पावर, यहां पे नेम ऑफ ब्रदर कर देते हैं, नेम ऑफ ब्रदर, ठीक है। तो ये नेम ऑफ ब्रदर कर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, और डेटाबेस में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ ब्रदर ये कर दिया हमने, और यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर ब्रदर आईडी देखिए, ऑटो नंबर मैंने दे दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, लेकिन हमें ऑटो नंबर करना नहीं है ब्रदर्स आईडी को, तो इसीलिए हम ऑटो नंबर हटा रहे हैं यहां से, ये ऑटो नंबर हमें नहीं रखना, हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, और यहां से जाकर के इसको इस तरीके से कर देना है। तो यहां पर बी, अब देखिए यहां पर इसीलिए शॉर्ट टेक्स्ट रखने का यही फायदा है, अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लीजिए, B101। अब देखिए B आगे आ गया, यानी ब्रदर्स वाला आईडी जो है ये है, ठीक है। अब ग्रैंडपा में क्या था, G101 शायद यही था, एक बार चेक कर लेते हैं G101 ही था कि नहीं, तो ये देखिए G101 ही है, ठीक है। और फादर्स में 123 था, ठीक है। और पर्सन में क्या था, यहां पे देखिए पर्सन में दिया हुआ है 1001। तो सारी चीजें क्लियर है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर इसको वापिस से लेता हूं डिजाइन व्यू पे, ये देखिए यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं, ये तो एक ही हुआ। अब यहां नेम ऑफ ब्रदर, ब्रदर का नाम देना है, ठीक है, ब्रदर का नाम देना है, तो कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए जो भी ब्रदर का नाम है, लाइक यहां पे अविनाश कर देता हूं, अविनाश, ठीक है, अविनाश लिखा मैंने। यहां पे इसी तरीके से फिर आते हैं, B102 कर देते हैं, ये 102 किया हमने, यहां पर आए G102, ठीक है,
ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैं केवल दो ही ले रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है ये, ठीक है, और मैं पूरा अगर इसमें लिखूं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं ब्रिजेश, ठीक है, तो ये दो नाम मैंने लिख दिए हैं और इसको सेव कर लेता हूं। तो अभी हमारे पास चार टेबल हो गई, देखिए ना, चार टेबल बन गई। एक और टेबल बना लेते हैं सिस्टर वाली, ठीक है। आप चाहे तो इसमें दो फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रैंडपा ऐड किया मैंने, ब्रदर्स आईडी ऐड किया, ठीक है। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक दो चार जितना चाहे आप उतना ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं और अब हम क्रिएट पे चलते हैं और यहां से टेबल पे आ जाते हैं। टेबल पे आने के बाद व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर आ रहा है टेबल वन, ठीक है, देख रहे हैं टेबल वन आ रहा है। तो टेबल वन में करना क्या है, हमें देखिए टेबल वन को हमें एक नाम देना है सिस्टर टी, सिस्टर टी यानी सिस्टर वाली टेबल होगी ये, कितने सिस्टर है, ठीक है। तो ये सिस्टर टी कर दिया हमने और यहां से ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यहां पे लिख देना सिस्टर्स आईडी, ठीक है, ये सिस्टर्स आईडी कर देना है आपको। तो सिस्टर्स कर दिया हमने और यहां पे लिख देता हूं आईडी, ठीक है। सिस्टर की आईडी क्या है वो यहां पे आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करता हूं, मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं और यहां से व्यू पे क्लिक करना है, लेकिन अभी और भी फील्ड ऐड करने हैं, इसलिए पहले ऐड कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। यहां पे लिखता हूं नेम ऑफ सिस्टर, ये लिख दिया नेम ऑफ सिस्टर, ठीक है, एस आई एस टी ई आर, तो ये कर दिया नेम ऑफ सिस्टर। यहां पे देखिए एम आ गया है, ये हटा देते हैं, ये हो गया। यहां पर नेम ऑफ सिस्टर करने के बाद यहां पर सिस्टर का नाम आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, एक और फील्ड ऐड कराते हैं जो कि कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा, ब्रदर्स आईडी में, ब्रदर्स टी वाले टेबल में क्या कॉमन था, देखिए ब्रदर्स आईडी कॉमन है ना, जैसे ग्रैंडपा इसमें डाल दिया गया है एक कॉमन फील्ड, क्योंकि ग्रैंड टेबल में ग्रैंडपा जो है हमने प्राइमरी की बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टर टेबल में हम सिस्टर आईडी को प्राइमरी की बनाए हैं, देखिए ये, देखिए ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की कैसे है, कैसे पता चला कि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की है ये इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि यहां देखिए ये जो है प्राइमरी की का साइन है, ठीक है। नेम ऑफ सिस्टर कर दिया हमने और नेम ऑफ सिस्टर करने के बाद यहां पे कर देता हूं ब्रदर्स आईडी, तो ये लिखा हमने बी आर ओ टी एच ई आर एपोस्ट्रॉफी लगा के एस आईडी कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने ब्रदर्स आईडी, अब एक फील्ड दे दिया हमने ब्रदर्स आईडी, इसको भी रख लिया शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया सारा काम। अब देखिए अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले इसमें डेटा हम फिल कर लेते हैं फिर रिलेशनशिप में बताता हूं आपको। ये एस 101 करते हैं, एस 101 हो गया, नेम ऑफ सिस्टर कर देते हैं सोनी, ठीक है, एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। अब ब्रदर्स आईडी की बात है तो ब्रदर्स आईडी क्या होगा, B101 यही तो था। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स वाले टेबल में B101 ये देख रहे हैं B101 B102, ठीक है, जिस तरह से ग्रैंडपा का हमने जी दिया था भाई, ग्रैंडपा ग्रैंड वाला नाम जी से शुरू हो रहा है तो हमने जी दे दिया। आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, कोई और भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे कहां आना है हमको, सिस्टर वाली टेबल पर। तो ये सिस्टर वाली टेबल पे आए, एक और हम दे देते हैं S102, ठीक है। अब इसके आगे एस लग गया है जिससे जो कि सिंबल है कि ये सिस्टर वाली टेबल है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मनीषा, ठीक है। तो ये दो नाम हमने ऐड कर दिए इसमें, ठीक है, और यहां पे B102। तो ये इस तरीके से लिख दिया मैंने और यहां सेव कर दिया इसको। अब देखिए हमारे पास कुल मिलाकर कितनी टेबल हो गई, पांच टेबल हो गई, पांच, ठीक है। अब इन पांचों के बीच में, अब ये फैमिली रिलेशन है, ठीक है, इन पांचों के बीच में हमें क्या कराना है, रिलेशनशिप क्रिएट कराना है। कैसे क्रिएट कराएंगे भाई साहब, अब देखिए फैमिली रिलेशनशिप के लिए जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो आप आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। मैंने जो आईडी दिया है उसके जगह आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड यूनिक होता है ना। तो जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो यूनिक फील्ड को ही प्राइमरी की बनाएंगे, मतलब उसमें यूनिक वैल्यू ही ऐड करेंगे आप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां सिस्टर दिया ना S101, तो आप यहां S101 दोबारा नहीं लिख सकते, यही तो खासियत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, यही खासियत है। यहां पर आए S01 तो टाइप हो गया, ठीक है, नाम यहां पे अलग दे देते हैं या सेम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां एक नाम दे देता हूं बबीता लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पे लिखा मैंने B103, ठीक है, ये अलग कर दिया। लेकिन यहां पे देखिए ना, ये सेम जो है आईडी आप डाल ही नहीं सकते, यही तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की खूबी है, इसीलिए इस पर सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब इसको आपको हटाना पड़ेगा तभी काम बनेगा, इसको हटाइए फिर इसको हटाइए, चलिए दो ही रखते हैं, हमको तीसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दिया, केवल समझाने के लिए बता दिया मैंने, हालांकि पहले भी बताया है। इसको सेव करेंगे
और अब क्या करना है, अब सीधा सीधा आपको डेटाबेस टूल्स दिखाई पड़ रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। इसको क्लोज कर देते हैं और फिर चलते हैं डेटाबेस टूल्स पर। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा रिलेशनशिप, क्लिक कर दीजिए। चारों टेबल दिखाई पड़ रहा है लाइन से। पहला टेबल जो था वो पर्सन टी का था, ऐड कर लेते हैं। दूसरा टेबल जो था वो फादर्स टी का था, ऐड कर लेते हैं। तीसरा टेबल जो था वो ग्रैंड टी था, ऐड कर लेते हैं। चौथा टेबल जो था वो ब्रदर टी का था, ऐड कर लेते हैं। पांचवा टेबल जो है सिस्टर टी का था, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये कुल मिला के 5 टेबल हो गई। देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5। तो अब यहां पर देखिए पर्सन आईडी फादर्स, यहां पर देखिए पर्सन आईडी कॉमन है, तो इस पर्सन आईडी को उठाइए और यहां पर ले जाकर रख दीजिए। रख दिया यहां पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इन सब पे टिक होना चाहिए। और यहां पर जब तक टेबल को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप दिक्कत होगी, लेगा नहीं ये। तो क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक, बन गई रिलेशनशिप। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहां पर देखेंगे ये ग्रैंडपा दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिए ये फादर्स आईडी है, ठीक है। तो फादर्स आईडी किस में दी गई है, यहां पर दिया गया है फादर्स आईडी, ठीक है। तो फादर्स आईडी को उठाइए और इस फादर आईडी के सामने ले जाकर रख दीजिए। बस इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स और कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक करके और यहां से क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां ब्रदर्स आईडी दिया हुआ है, लेकिन यहां दिया हुआ है ग्रैंडपा, ठीक है। तो बस ग्रैंडपा उठाइए और यहां पे ले जाके रख दीजिए इस फील्ड को, और इन तीनों पे भी टिक कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। और फिर यहां दिया हुआ है आपका ब्रदर्स आईडी, तो ब्रदर्स आईडी वाले को यहां पे ले जाके रख दीजिए ठीक इसके सामने, और यहां पर इस तरीके से ये आपका जो है रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ये फायदा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी कि डेटाबेस की क्या खूबियां हैं। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशनशिप तो बन गई लेकिन इसका फायदा क्या है। इसका फायदा मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, मैं आपको अभी इसका फायदा दिखाता हूं। जैसे ये पर्सन टेबल है ना, तो पर्सन टेबल पे जाइए आप, ठीक है। अब यहां पर आपको प्लस का निशान दिखाई पड़ रहा होगा, चलिए क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पे क्लिक किया हमने, जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर आपको फादर्स आईडी दिखाई पड़ने लगी, यानी कि नेम ऑफ पर्सन का नाम क्या है, नेम ऑफ पर्सन का नाम है राम, ठीक है। इनके पिता कौन है, सोहन लाल, ठीक है। अब यहां पर भी प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब सोहन लाल पिता का नाम है, इनके जो ग्रैंडपा हैं वो कहां के रहने वाले थे, इंडिया के रहने वाले थे। आप इसमें नाम भी दे सकते हैं, एक अदर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं अभी, यहां पे गए, इसको क्लोज किया, ठीक है, यहां से यस करके इसको क्लोज करते हैं। अब ये ग्रैंड टेबल में जाकर के नेम ऑफ ग्रैंडपा एक फील्ड क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए फादर्स आईडी दिया है, ग्रैंडपा दिया है, कंट्री का नाम दिया है, लेकिन यहां नेम ऑफ फादर क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहां देखिए मैं लिखता हूं नेम ऑफ ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, तो ये लिख दिया नेम ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहां पे इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट रखना है और यहां से व्यू पे क्लिक करके यस कर दीजिए। अब देखिए ना, एक और फील्ड ऐड हो गई इसमें, नेम ऑफ ग्रैंडफादर दिख रहा है पूरा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहां पर नेम ऑफ ग्रैंडफादर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां प्रत्यूष, अब ये शॉर्टकट नेम ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्रत्यूष करना है, प्रत्यूष इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आगे लिख देता हूं मिस्टर, आगे मिस्टर भी लगा देते हैं भाई, ये लगा दिया यहां पे मिस्टर, ठीक है, और यहां पे मिस्टर राम सिंह या केवल राम लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया फील्ड, अब देखिए इसको सेव कर दिया। अब वही रिलेशनशिप हम फिर से देखते हैं। अब यहां पर आते हैं वापस से पर्सन, पहली टेबल थी हमारी पर्सन वाली, तो पर्सन वाली टेबल पे आ गए। अब देखिए पर्सन का नाम क्या है, राम है, जिनकी पर्सन आईडी ये है, कंट्री ये है, सब कुछ दिख रहा है। अब इनकी फैमिली की बात करेंगे, फादर का नाम क्या था, सोहन लाल, ठीक है, आईडी दिखी रही है आपको। यहां पर आएंगे तो ये कहां के रहने वाले थे, इंडिया के। इनके बाबा का क्या नाम था, यानी ग्रैंडपा का क्या नाम था, नेम ऑफ फादर था, ग्रैंडपा का नाम था मिस्टर प्रत्यूष, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला प्लस जो है, तो इस पे आए तो इनका जो कि ये पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, राम है, इनके ब्रदर का क्या नाम है, अविनाश, देखिए अनिनाश हो गया है, तो इसको हम हटा देते हैं ना,
लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये अविनाश कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अब ये यहां पर भी प्लस बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम क्या है, सोनी है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप वाली टेबल बनेगी, ठीक है। और रिलेशनशिप का चक्कर आई होप कि इस वीडियो से खत्म हो जाएगा आपका और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह की रिलेशनशिप बनानी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इजिली आप काम कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं लाइव आऊंगा और लाइव आपके साथ जुड़ूंगा और लाइव आपके सवालों का जवाब दूंगा। भाई रिसोर्सेज मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली है, तो रिसोर्सेज जैसे ही मेरे पास होते हैं आई होप कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव क्लास लेना, तो मैं शुरू कर दूंगा। और इसके अलावा अकाउंट्स को लेकर के, टैली को लेकर के जिसको भी दिक्कत है वो बहुत ही आसानी के साथ लाइव आकर के मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का लाइव आकर के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, फिर टीम व्यूअर या इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं, फिर मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, उनका सिस्टम लेता हूं। कई बार तो बीटेक स्टूडेंट भी अपनी क्वेरीज मुझे बताते हैं, वो कहीं काम कर रहे होते हैं और डेटाबेस में कहीं उनको प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं बताता हूं। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा लाइव आकर के। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।